नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बीस की इस खास वीडियो में। सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी गिरावट देखी जा रही है। सोना 6000 रुपए तक सस्ता हो चुका है, लेकिन अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो आपके लिए यहां पर बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दे कि सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आने वाली है। सोने का भाव सस्ता होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बीस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर रोजाना देश की आम जनता के लिए काम की बड़ी खबरें देते रहते हैं और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। चलिए तो यहाँ पर बड़ी खबर है कि सस्ता हो रहा है सोना। जानिए कहां तक गिरेंगे दाम और दिवाली तक क्या होगा सोने का भाव। जी हां, अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब तक सोने के भाव में 6500 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है, और इतना ही नहीं बल्कि अच्छी बात तो यह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी गिरावट आने वाली है, यानी कि सोने और चांदी की कीमतों में और भी ज्यादा गिरावट आएगी। दरअसल कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि छोटी अवधि में कीमतों पर दबाव जारी रहेगा। दरअसल डॉलर इंडेक्स में तेजी और जानलेवा बीमारी की वैक्सीन को लेकर अच्छी उम्मीदों से सोने के भाव पर दबाव बना है। साथ ही में ग्लोबल मार्केट में घटती डिमांड के चलते भी कीमतों को झटका लगा है। वही एक्सपर्ट का कहना है कि सोने के दाम में लगातार गिरावट की वजह से सोने का भाव 50,000 के नीचे आ चुका है। हाजिर मांग कमजोर पड़ने के कारण कारोबारियों ने अपने जमा सौदे को कम किया है और इसीलिए सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। कारोबारियों का मानना है कि सोने के भाव में एक महीने के अंदर अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। अनुमान के मुताबिक सोने का भाव 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि ग्लोबल मार्केट में रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध और दुनिया भर में आर्थिक मोर्चे से आई नकारात्मक खबरें थी, लेकिन अब स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सुधर चुकी है। हालांकि डॉलर की कीमत में मजबूती के कारण सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वही कारोबारियों का अनुमान है कि दिवाली में डिमांड बढ़ने से सोने की कीमतों में तेजी आएगी, यानी कि दिसंबर तक सोने का भाव फिर से 50,000 के आंकड़े को पार कर सकता है। हालांकि अभी कुछ महीनों के लिए सोने का भाव 47,000 से 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ सकता है। चलिए तो अगर आप भी चाहते हो कि सोने के भाव में भारी गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव सस्ता होना चाहिए, तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर दबाएं।